Next question for exam success from the topic magnetism is, at a place the horizontal component of Earth's magnetic field is B and angle of dip is 60 degree. What is the value of horizontal component of the Earth's magnetic field at equator? Here in this question, it is given to you, the horizontal component of Earth's magnetic field is B. जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको गिवन है यहां पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम BH लिखते हैं, आपको B दे रखा है एंड वहां पे जो डिप एंगल है इट इज गिवन टू 60 डिग्री. ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, इज द डिप एंगल इज हियर, इट बीइंग डिप एंगल BH इज B एंड डिप एंगल इज 60 डिग्री. आपको पूछ के रखा क्वेश्चन में, आपको जो फाइंड आउट करना है, मैं यहां लिख लेता हूं, आपको टू फाइंड द BH एट इक्वेटर, आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट इक्वेटर इज इक्वल टू हाउ मच. तो BH हम अच्छी तरह जानते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू BE cos डेल्टा. ये फॉर्मूला होता हमारा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू BE cos डेल्टा. अब आपको इक्वेटर में डिस्कस करना है, तो एट इक्वेटर वी नो वेरी वेल डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तो BH कितना हो जाएगा यहां से, BH कम्स आउट टू बी BE cos जीरो एंड cos जीरो इज वन, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इट इज हियर BE. तो हमें ये BE कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपको देने रखा क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में BH गिवन है. तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट से अब हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BE कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये जो हमने सॉल्व किया है BH हमने इक्वेटर पे सॉल्व किया है, अब आपका आंसर क्या है, BE के बराबर आ गया. तो BE हम यहाँ से इजीली सॉल्व करते हैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला हियर, एज BH इज इक्वल टू BE cos डेल्टा. BH कितना दे रखा हमें, BE गिवन है, BE हमें फाइंड आउट करना है एंड cos डेल्टा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, BE इज इक्वल टू BE cos 60 इज हाफ, तो देयरफॉर BE इज इक्वल टू टाइस ऑफ BE. तो यहाँ से हमने BE कैलकुलेट कर लिया है. अब यहाँ पे हमें BH एट इक्वेटर निकालना है, यहाँ पे हमें इक्वेटर पे कैलकुलेट करना है इसको, इट इज एट इक्वेटर, इट इज एट इक्वेटर. तो इक्वेटर पे जो वैल्यू आई BE के बराबर है और BE किसके 2BE के बराबर, इट मीन्स यू गॉट द आंसर, BH एट इक्वेटर इज 2BE. तो आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन से BE को सॉल्व करना है और उस वैल्यू को सेकेंड कंडीशन में रख देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज -2.6 इंटू 10^-5. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल एंड ड्रॉ द मॉडिफिकेशन ऑफ फील्ड लाइन्स व्हेन दिस मटेरियल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब इस क्वेश्चन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये आपको गिवन है यहां पे, एंड आपको दे रखा है काई एम इज इक्वल टू -2.6 10^-5. ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है. तो आपको बोला गया है कि आइडेंटिफाई द मटेरियल. हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है उनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है. इसका मतलब जो मटेरियल हमें गिवन है इट विल बी डायमैग्नेटिक. इसका हमने जो फर्स्ट आंसर है उसको दे दिया है, इट इज योर डायमैग्नेटिक मटेरियल. अब वो सेकेंड पार्ट में क्या पूछता है आपको, ये पूछा गया है कि अगर हमने इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो क्या चेंजेज हो जाएंगे. तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके अंदर से, इनसाइड से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं होती है, कोई फील्ड लाइन अंदर से पास नहीं होगी. दैट यू नो वेरी वेल, अगर हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल लगाया या साउथ पोल लगाया तो जो फील्ड लाइन्स होंगी, फील्ड लाइन्स का मॉडिफिकेशन इस तरह से हो जाएगा, एंड नो लाइन विल पास थ्रू विद इन दिस डायमैग्नेटिक मटेरियल. यहां से कोई लाइन पास नहीं होगी, इट बीइंग डायमैग्नेटिक इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच फॉर थ्री मैग्नेटिक मटेरियल्स एक्स वाई एंड जेड आर सोन इन द फिगर हियर. फर्स्ट पार्ट इज identify the materials x, y and z. Second part is show graphically the variation of susceptibility with temperature for material x
थर्ड पार्ट इज आउट ऑफ वाई एंड जेड विच ऑफ द मटेरियल विल यू प्रेफर फॉर मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर एंड वाई. हियर इन दिस क्वेश्चन थ्री ग्राफ्स आर गिवन टू यू एक्स वाई एंड जेड एंड द ग्राफ आर प्लॉटेड फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच हियर. तो हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक तीन मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास हैं. हमें आइडेंटिफाई करना है विच वन इज डाया पैरा एंड फेरो. द फर्स्ट थिंग इज जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं व्हेन कैप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे हम केयरफुली देख रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म इस डायरेक्शन में है लेकिन जो एक्स मटेरियल है ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है. इट मीन्स दिस एक्स इज सॉल्यूशन में अगर हम चेक करें दिस एक्स इज हियर इट इज डायमैग्नेटिक. ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है. द फर्स्ट पॉइंट इज हियर. सेकेंड अब वाई और जेड को देखते हैं. वाई और जेड में जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है वो पॉजिटिव है उसी डायरेक्शन में है लेकिन जेड में जो मैग्नेटाइजेशन है कम है और वाई में मैग्नेटाइजेशन क्या है ज़्यादा है. तो जो ज़्यादा प्रॉपर्टी मैग्नेटाइजेशन की होती है वो फेरो में होती है. इट मीन्स जो वाई मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा इट इज़ हियर फेरोमैग्नेटिक. लेकिन यहीं पे जो जेड मटेरियल है इट विल बी पैरामैग्नेटिक हियर. ये बात थोड़ा बहुत केयरफुली समझनी है क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनका बिहेवियर एक जैसा ही होता है. बस डिफरेंस क्या है कि पैरामैग्नेटिज्म में प्रॉपर्टी कम होती है और फेरोमैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ज़्यादा होती है. तो वाई विल बी फेरोमैग्नेटिक हियर. सेकेंड पार्ट में आपको पूछा है कि आपको जो ये एक्स मटेरियल है मीन्स डायमैग्नेटिक मटेरियल है इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है ससेप्टेबिलिटी एंड टेम्परेचर पे. तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो ससेप्टेबिलिटी होती है काई एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता. तो इसका ग्राफ कैसे आएगा इट इज हियर टेम्परेचर इज हियर ससेप्टेबिलिटी इज हियर. और इसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है डाई की नेगेटिव होती है तो जो ग्राफ आएगा हमारा वो यहां पर आ जाएगा दिस वन. इट इज इंडिपेंडेंट एंड एज वेल एज नेगेटिव इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डायमेटिक की जो ससेप्टेबिलिटी होती है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है. थर्ड पार्ट इज ये वो ये बोलता है कि आउट ऑफ दीज टू या और दीज थ्री तो हमें वाई और जेड में से क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है इन्हीं में से किसी एक को यूज करना है एज कोर ऑफ ट्रांसफार्मर. तो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करना पड़ता है. तो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर की जब हम बात करते हैं उसके लिए हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज करना पड़ता है और उसके लिए कंडीशन क्या होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज होगा. इट मीन्स वाई इज टू बी यूज देयरफॉर वाई इज टू बी यूज. और उसकी कंडीशन क्या होती है उसकी कंडीशन होती है फर्स्ट कंडीशन इज जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है म्यू आर उसके लिए बहुत ज़्यादा होती है जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्राइमरी कॉइल में है वो सेकेंडरी कॉइल में इजिली ट्रांसफर हो सके इजिली एसोसिएट हो सके. और सेकेंड इसका जो हिस्टेरेसिस लूप एरिया होता है लेस होता है लूप एरिया इज लेस दैट इज लो हिस्टेरेसिस लॉस. इसमें जो हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं लो होते हैं. इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड अलोंग प्लस एक्स एक्सिस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द प्लस वाई एक्सिस. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू इलेक्ट्रॉन इज मूविंग बीम इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन बीम ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस. तो ये वाई एक्सिस बाहर की तरफ है ये परपेंडिकुलर है मीन्स इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ने गिवन है क्वेश्चन में फोर्स यहां एक्ट हो रहा है. तो आपका क्वेश्चन ये है कि इस पर अगर फोर्स यहां एक्ट हो रहा है तो प्रॉब्लम इज कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए कि फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्टिंग इन दिस सेंस. इट मीन्स हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन बीम अपवर्ड है तो जो प्रोटॉन होगा पॉजिटिव चार्ज होगा वो डाउनवर्ड आएगा प्लस ई विल बी डाउनवर्ड क्योंकि इलेक्ट्रॉन है. तो प्रोटॉन अगर नीचे की तरफ है
ये हम अज्यूम कर सकते हैं, इसके रिवर्स में ले सकते हैं, क्योंकि हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इस क्वेश्चन को आंसर देना है। तो यहाँ पे दैट यू नो वेरी वेल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इज द मैग्नेटिक फील्ड इज द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बहुत केयरफुली देखते हैं, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ है, इट इज गिवन टू यू। तो फोर्स इज वाई एक्सिस हियर, फोर्स इज आउटसाइड हियर, एंड पॉजिटिव चार्ज इज डाउनवर्ड, पॉजिटिव किधर है, डाउनवर्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज उसके रिस्पेक्ट में किधर आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगा इट विल बी अलोंग दैट एक्सिस, द सिंपलेस्ट वन। हमें लेफ्ट हैंड रूल यूज करना होता है, लेफ्ट हैंड रूल यू नो वेरी वेल इज द मैग्नेटिक फील्ड इज द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द फोर्स हियर, इलेक्ट्रॉन का अपवर्ड दिखा रखा उसने, इट मीन्स इसका रिवर्स केस में जब अगर प्रोटॉन के लिए यूज करेंगे इसको तो डाउनवर्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड आ गया, लेकिन फोर्स वाई एक्सिस में है। अब एक्स और जेड आपको गिवन है, तो वाई एक्सिस परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो फोर्स इज हियर, इन दिस वे इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर, मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लेना पड़ेगा, जेड एक्सिस में लेना पड़ेगा, इज द आंसर। हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पॉइंट चार्ज इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर, what should be the magnitude and direction of the electric field so that the particle moves undeviated along the same path। इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमें बहुत केयरफुली बहुत अच्छे तरीके से दो तीन बात को समझना है। पहला पॉइंट, चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर चुका है, तो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर चुका है तो डेफिनेटली इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा। जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट नो वेरी वेल एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन 90 हेयर। क्यों, थीटा 90 है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मोशन किधर है, इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इन टू द बोल्ड है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो एफ मैग्नेटिक कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया क्यू वी वी इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। अब हम एक काम करेंगे, इस चार्ज पार्टिकल के जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो कभी भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है, परपेंडिकुलर एंट्री हो रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यूज़ करेंगे, हम अच्छी तरह जानते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है, ये फोर्स होता है। तो बहुत केयरफुली देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरह इन टू द बोल्ड है, ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है, तो इस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर दिया, दिस वन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इन दिस डायरेक्शन। बहुत केयरफुली समझना इस पॉइंट को, मैग्नेटिक फील्ड ये गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इसमें डाउनवर्ड लगेगा, तो एफ मैग्नेटिक इज एक्टिंग डाउनवर्ड हियर। ये बात हमने चेक कर ली है, बहुत केयरफुली इस बात को चेक कर लिया है, मैग्नेटिक फील्ड इन द बोर्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन प्लस चार्ज के लिए, और ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड लग गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करवाना है जिससे कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधे स्ट्रेट पाथ पे पास हो जाए बिना किसी डेविएशन के, यानी नेट फोर्स जीरो होने के लिए अगर मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो इट मींस इतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगना चाहिए, अपवर्ड लगना चाहिए इस पर, तो एफ इलेक्ट्रिक इसको ऊपर रोक देगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगना चाहिए, अपवर्ड लगना चाहिए। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, इट बीइंग पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, इट मींस अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करवाते हैं तो इस डायरेक्शन में, अगर मैंने ये ले लिया यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगवा दिया है, तो प्लस चार्ज हियर, ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ये प्लस चार्ज ऊपर तभी जाएगा जब यहाँ नेगेटिव प्लेट होगी और यहाँ क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट होगी। तो इन दिस वे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करवा दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। हम इस बात को बहुत पहले से जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मोशन में आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड लग जाएगा। इन दिस वे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर ये अनडिविडेड जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास आएगा वो कितना लगेगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्यू ई इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इज टू रिमेन अनडिबिटेड हियर, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स एफ मैग्नेटिक मस्ट बी इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक। एफ मैग्नेटिक कितना हमारे पास, क्यू वी वी, और एफ इलेक्ट्रिक कितना है, क्यू ई, तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, एंड देयर फोर द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज V into B, ये कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ से हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ E एंड B, इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी सेलेक्टर, इज द आंसर।